हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और परिमित लंबाई के कारण आप लोगों ने व्यंजक निकाल थी और उसी चालक की लंबाई अगर अपरिमित हो जाती थी तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को कैलकुलेट किया था। अब अगर हमारे पास कोई धारावाही चालक तार, हम इतना जान गए थे अगर इस चालक में धारा जा रही है तो ये अपने से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अनंत लंबाई है तो μ0.2πi/r उत्पन्न करेगा, परिमित लंबाई है तो μ0.4πi/r sin ϕ1 cos ϕ2 उत्पन्न करेगा। कोण निकाल लेंगे। अब बात ये आती है, अगर हम इसी चालक को ऐसे मोड़ दें, वृत्त बना दें इसका, मतलब चालक को मोड़ दें और ऐसी स्थिति दे दें, धारा इसमें फ्लो कर रही है, ऐसे मोड़ दिया इसे, तो ये आकृति बन जाती है धारावाही बूंद। एक फेरा, कितने फेरे? एक फेरा, एक राउंड मोड़ दिया, एक फेरा हो गया, तो ये बनता है धारावाही बूंद। और अगर इसी तार से हम इसमें कई फेरे मोड़कर बना देते हैं, जैसे इसमें कई फेरे हो जाते हैं, तो ये लूप नहीं रहता, ये हो जाती निश्चित फेरों वाली कुंडली, ठीक। तो आज हम याद करेंगे कि वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना, एक तार मोड़कर इसको एक फेरा लगाया तो बना हमारा धारावाही लूप, और इसी को मोड़कर अगर कई फेरे लपेट दे वृत्ताकार तो बन गई क्या? कुंडली, ठीक। तो आज का टॉपिक आपका है कि वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है भाई? वृत्ताकार धारावाही धारा लूप या धारावाही लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, क्योंकि करंट नहीं फ्लो करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से आएगा? ये निबंध काफी प्रमुख में पूछा भी जाता है, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो याद रखना, जब किसी वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भीतर और बाहर जो है, या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम मान लें कि ये हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है, धारावाही लूप, ठीक। यहां से धारा प्रवेश करने के लिए बना देंगे, ये कोई तार है और इसको हमने एक वृत्त के रूप में मोड़ लिया, ठीक। और मान लीजिए इसका केंद्र O है और इसकी रेडियस जो है R, ठीक। इसकी रेडियस कितनी मान ली? R। और इसमें मान लीजिए I करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट? I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, I करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है, यहां से I करंट जाता है, इधर से होता हुआ है निकलता है, और ये वृत्ताकार है बिल्कुल, ठीक। अगर वायर की कुछ मोटाई दिखाए तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। या आपने ऐसे रखो, कोई समस्या नहीं। ये वृत्ताकार धारावाही लूप है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसमें आई धारा दक्षिणावर्त हो रही है, ऐसे आई धारा जा रहा है, ठीक। और इसके केंद्र को ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। अब देखो, ध्यान रखना, जो धारावाही लूप एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, दो फेरे होंगे तो कुंडली हो जाएगी, दो फेरों वाली तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कुछ और निकल कर आएगी, ठीक। ध्यान रखना, अब यहां पर लिख देते हैं, माना आर त्रिज्या का एक धारावाही लूप, जिसमें माना आर त्रिज्या का एक, ऐसे भी लिख सकते हैं
कि वृत्ताकार धारावाही लूप, ठीक। माना आर त्रिज्या का ए वृत्ताकार कुंडली मानोगे तो फेरे मानोगे, ठीक, लूप लिखो कोई दिक्कत नहीं। वृत्ताकार धारावाही लूप जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। लूप के केंद्र, लूप का जो सेंटर है वो, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। लिखेंगे लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। लूप का जो केंद्र ओ है इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, ठीक। क्या करें तो इसके लिए हमने समस्त लूप को बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया। जैसे पूरा लूप है इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दिए, जैसे इस तरह से पार्ट, ऐसे बहुत छोटे छोटे इसके भाग कर लिए, ठीक। जैसे इस पहले भाग की लंबाई डेल्टा L1 मान लें, दूसरे भाग की लंबाई डेल्टा L2 मान लें, तीसरे भाग की लंबाई डेल्टा L3 मान लें, ऐसे पूरे लूप को हमने क्या किया डेल्टा LN, डेल्टा LN मतलब N भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक। समस्त लूप को डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा LN छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं, ठीक। लिखेंगे यहां पर समस्त लूप को डेल्टा L1 कामा डेल्टा L2 कामा डेल्टा L3 डॉट 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 कर देंगे डेल्टा LN, डेल्टा LN, ठीक, डेल्टा एल एन लंबाइयों के अल्पांशों से निर्मित माना जा सकता है। पूरे लूप को ये छोटे छोटे अल्पांशों से निर्मित मान लिया, डेल्टा एल एन लंबाइयों के अल्पांशों से निर्मित निर्मित माना जा सकता है। पूरे लूप को क्या किया डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा LN लंबाइयों के अल्पांशों से निर्मित मान लिया। अगर हम ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L3 सबको जोड़ते चले जाएं तो सब अल्पांशों की जो लंबाइयों का योग आएगा वो लूप की परिधि के बराबर आएगा। लूप की परिधि होगी वो इन छोटे छोटे अल्पांश से, ये जो हमने माने सबका क्या होगी टोटल होगी, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 सबको जोड़ते चले जाएंगे तो हमें पूरे लूप की क्या मिल जाएगी परिधि मिल जाएगी। अच्छा एक चीज ध्यान दो, लूप में धारा किधर जा रही है दक्षिणा, तो जो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो जैसे डेल्टा L1 लंबाई का अल्पांश लिया तो इसमें धारा ऐसे जा रही है और हमें केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक लगेगा तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर उत्पन्न होगा। अगर इसमें धारा ऐसे जा रही होती तो चुंबकीय क्षेत्र किधर उत्पन्न होता बाहर की ओर उत्पन्न होता, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता वो बाहर की ओर आता। देखो यहां पर हमने इस लूप के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, पूरे लूप लिख भी दिया है, समस्त लूप को ये अल्पांशों से निर्मित माना जा सकता है, तो सबकी योग जो है लंबी परिधि के बराबर होती है। अब हम ध्यान देंगे कि डेल्टा L1 अल्पांश के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, डेल्टा L1 अल्पांश के कारण लिखेंगे डेल्टा L1 अल्पांश के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो इसके लिए आप याद करें बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम था डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो पाल फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा
अपान आर स्पेसिस। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार डेल्टा एल अल्पांश के कारण पृथ्वी क्षेत्र का मान है डेल्टा बी इक्वल टू मी जीरो अपान फोर पाई डेल्टा एल साइन थीटा के आर स्क्वायर। तो डेल्टा एल वन अल्पांश के कारण होना चाहिए डेल्टा बी वन, मान लिया मान क्या आएगा म्यू जीरो अपान फोर पाई आई डेल्टा एल वन साइन थीटा, थीटा के लिए 90 आएगा क्योंकि इसका कोई भी पार्ट बहुत छोटा जब लेंगे तो परिधि का कोई भी भाग छोटा सा भाग जो होगा वो त्रिज्या पर लंब होगा या त्रिज्या परिधि पर लंब है। तो परिधि का कोई भी पार्ट लेंगे बहुत सूक्ष्म तो उसकी लंबाई रैखिक होगी और त्रिज्या ये होगी केंद्र की। तो हर जगह थीटा आपका 90 बनेगा, कहीं के लिए हम मिला इसके केंद्र से थीटा 90 बनेगा। तो यहां पर आएगा साइन 90 दूरी त्रिज्या का वर्ग आर स्क्वायर। डेल्टा बी वन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल वन साइन 90 एक हो गया बटे में क्या आया आर स्क्वायर। इसको इधर लिख रहे हैं डेल्टा बी वन इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल वन अपॉन आर स्क्वायर। दिशा देखो, दिशा इसकी आएगी अल्पांश में धारा ऊपर की ओर जा रही है तो दिशा इसकी अंदर की ओर आएगी। तो डेल्टा बी वन की दिशा हो जाएगी दिशा कागज के तल के लंबवत इधर की ओर अंदर की या नीचे की ओर, क्योंकि कॉपी पर जब लिखेंगे तो नीचे की ओर होगी ठीक ऐसे अंदर की ओर होगी। फिर इसी प्रकार डेल्टा एल टू अल्पांश के कारण, देखो डेल्टा एल टू अल्पांश में धारा आई होगी डेल्टा एल टू अल्पांश की केंद्र से दूरी भी आर होगी तो केवल इसमें डेल्टा एल वन की जगह डेल्टा एल टू रखनी। इसी प्रकार डेल्टा एल टू अल्पांश के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, तो डेल्टा बी टू बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ठीक आई डेल्टा एल टू बटे आर स्क्वायर। इसकी भी दिशा किधर होगी अंदर की ओर दिशा जब होती तो क्रॉस चिन्ह का यूज करते हैं ठीक। फिर डेल्टा एल थ्री अल्पांश के कारण डेल्टा बी थ्री क्या आएगा म्यू नॉट अपान फोर पाई आई डेल्टा एल थ्री अपान आर स्क्वायर ये क्रॉस होगा। ऐसे डेल्टा एल फोर अल्पांश के कारण निकालेंगे डेल्टा एल फाइव अल्पांश के कारण निकालेंगे डेडजस्ट कर देंगे डेल्टा एल एन अल्पांश के कारण एनवेन सूक्ष्म खंड के कारण तो आएगा म्यू नॉट अपान फोर पाई आई डेल्टा एल एन बटे आर। इसकी भी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ठीक। अब देखो डेल्टा बी वन की दिशा यहां पर देखो डेल्टा बी एन लिखे हैं डेल्टा बी टू डेल्टा बी थ्री सबकी दिशा जो है कागज के तल के लंबवत अंदर की हुई तो केंद्र ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तो सबको जोड़ दो क्योंकि पूरा लूप हमारा इन भागों में बट गया था और इन भागों की लंबाई हमने देखो वैसे हमें यहां से लिखनी चाहिए थी डेल्टा एल वन एल टू नहीं से लिखनी है ये लिख लीजिए आपके पास समस्त लूप को इन भागों से लिख पाना पूरा लूप बटा हुआ ऐसे भागों में ठीक। फिर डेल्टा एल वन अल्पांश के कारण डेल्टा एल टू डेल्टा एल थ्री सबके कारण एक ही चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा बस अल्पांश की लंबाइयां बदल दी जाएंगी। फिर केंद्र ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र ओ पर इसको मिटा दे रहे हैं केंद्र ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ध्यान देना केंद्रों पर प्रणामी चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू सबकी दिशाएं सेम है सबकी दिशाएं सेम है तो सबको जोड़ते चले जाए क्या आएगा डेल्टा बी वन प्लस डेल्टा बी टू
प्लस डेल्टा बी थ्री प्लस डॉट डॉट करते चले जाएंगे डेल्टा बी, सबको जोड़ दो। अब जब आप सबको जोड़ देंगे डेल्टा बी वन डेल्टा बी टू डेल्टा बी थ्री सब में देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन, सबसे कॉमन ले लिया क्या म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन। पहले वाले में डेल्टा एल वन बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा डेल्टा एल टू, तीसरे में डेल्टा एल थ्री, ऐसे ही एनवे में बचेगा डेल्टा एल। अब देखो हमने लिखा था डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डॉट डॉट डेल्टा एल, अगर समस्त लूप के जो छोटे छोटे भाग करोगे तो सभी भागों की लंबाइयों का योग उसकी परिधि के बराबर आएगा। ये क्या आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरे लूप की परिधि होगी और परिधि को आप क्या लिखेंगे टू पाई आर। ठीक, टू पाई आर परिधि हो गई। देखो कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, दो से दो बार कट जाएगा, तो बी इक्वल टू बचेगा ऊपर म्यू नॉट आई बचेगा, दो से दो बार कटा दो बचा, पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया टू आर। ठीक, तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और इसकी भी दिशा जब सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर तो इसकी भी दिशा कागज के फल के लंबवत की तरह आएगी अंदर की ओर निकलेगी। अब हमारा जो लूप बना था समझ लो, जैसे ये वायर था, ये वायर था, इसको हमने ऐसे वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, इस तरह से ऐसे वृत्ताकार मोड़ा, तो ये लूप एक फेरे में मोड़े, यदि किसी हम तार को एक फेरे के रूप में मोड़ते हैं वृत्ताकार रूप में मोड़ते हैं लूप। ठीक, और अगर उसको मोड़कर कई फेरे लगा दें तो एक कुंडली, अगर हम ये तार में कई फेरे हमारे बन जाते हैं ऐसे और फिर ये लास्ट होता है ये पहला होता तो ये एक कुंडली। तो एक फेरे हमने लूप के केंद्र पर निकालना है, एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र में ये बन टू आर है। अब अगर दो फेरे होते तो दोगुना हो जाता, तीन फेरे होते तीन गुना हो जाता, ऐसे एन फेरे हो एन गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि लूप के स्थान पर एन टर्म वाली मतलब एन फेरों वाली क्या हो कुंडली, अगर लूप के स्थान पर एन फेरों वाली कुंडली हो तो मालूम क्या है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपान म्यू नॉट, अगर लूप के स्थान पर एक फेरा था एन फेरे तो म्यू नॉट एन आई अपान क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लूप वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें छोटी छोटी और बातें हैं कुछ जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। देखिए नंबर वन, निगमन में इतने ही, नंबर एक हमारे पास वायर है तार जिसको अर्ध वृत्ताकार के रूप में ऐसे मोड़ा गया है, ऐसे आधा वृत्त बना हुआ। ठीक, ये केंद्र अर्धवृत्त, ये धारा आई जा रही है और इसकी जो रेडियस है ये आर, तार ऐसे अर्धवृत्त है तो कह रहा है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, आधे वृत्त, आधे वृत्त का मतलब आधा फेरा, तो एन जो होगा एक बटे दो हो जाएगा भाई, एक फेरा का मतलब क्या होगा पूरा मुड़ा, आधा फेरा तो एक बटे दो फेरा, एन की जगह एक बटे दो रख देंगे तो एक बटे दो रखेंगे तो मिल जीरो एन आई अपॉन फोर आर हो जाएगा। तो देखो सही से बनाते हैं, एक हमने तार को आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा था, अर्धवृत्त के रूप ऐसे आई धारा इसका प्रवाहित हो रही, इसका केंद्र हो गया और ये रेडियस हो गई आर, केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो
तो यहां पर बी का मान जो आएगा, वैसे हम जानते हैं म्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर होता पूरे लूप के कारण, लेकिन यहां पर लूप आधा ही है तो फेरा इसमें कितना हुआ, आधा, एक बटे दो फेरा, आधा फेरा, आधा फेरा करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इसकी जगह रख देंगे वन अपॉन टू आई अपॉन टू आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर। अब आर का मान मालूम है, आई का मान मालूम है, क्योंकि जबकि मान मिल जाएगा, म्यू नॉट का मालूम कितना है, 4π × 10⁻⁷ निकल आया, ठीक। चलिए दूसरे पर ध्यान दो, नंबर दो, एक हमारे पास तार है, उसको हमने क्या किया है, चाप के रूप में मोड़ा है। देखना, एक तार है और उसको हमने ऐसे चाप के रूप में मोड़ा है, ठीक। ये चाप मतलब वायर को हमने ऐसे मोड़ा हुआ है, ऐसे करंट फ्लो होगा, ये सेंटर हो गया इसका, ये रेडियस आर हो गई, ठीक। और ये कोण जो है 60 डिग्री, ठीक। ये चाप के कारण उनकी क्षेत्रफल होता है, एक वायर को इस चाप के रूप में ऐसे मोड़ा गया है, आर त्रिज्या का इसका ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। और चित्रानुसार इसके ये दोनों सिरे जो है ये दो पर 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, ये केंद्र है वो, यहां भी केंद्र हो, केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र चाप के निकालना है, ठीक। तो हम पढ़े हैं पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चलो कुंडली के कारण पढ़ो, कुंडली के कारण मिलना टेनाई पॉइंट टू आर पढ़े। अगर हमें इसमें ये पता चला ये पूरे फेयर का कितना भाग है, तो फेरा रख लेंगे एन बराबर कितना होगा, यूनाट एन आई पॉइंट टू आर में फेरा एन बराबर जो भी हुई, तो ध्यान देना थोड़ा कि इसमें फेरा पहले निकालना। अच्छा, एक फेरा कब होता है, जब कोण 360 डिग्री हो, एक फेरा पूरा होता है 360 डिग्री का कोण जब पूरा हो जाएगा केंद्र पर, तो कितने फेरे होंगे, एक फेरे, समझ में आया, 360 पर एक फेरा, एक डिग्री पर कितने फेरे, एक बटे 360 फेरा। अच्छा, हमारे पास कितने डिग्री, 60 डिग्री, तो एक बटे 360 × 60, तो 60 × 360 फेरा है, इसको हल कर दें, एक बटे छह, एक बटे मतलब इस यहां केंद्र पर 60 डिग्री का कोण किस चाप द्वारा बनेगा, तो फेरे आपके एन बराबर कितने हो जाएंगे, एक बटे, अरे 360 का एक बटे छह कोण ही है, तो फेरा एक हुआ, एक तो एक का एक बटे छह, एक बटे छह जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर इक्वल टू म्यू नॉट, एन का मान कितना रखो, एक बटे छह आई अपॉन टू आर, तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर, आई का मान मालूम, आर का मान मालूम, दिशा ना दाहिने हाथ की हथेली का नियत नंबर एक लगाओ, दिशा अंदर की हो, इसमें भी अंदर की हो रही है, ठीक। दूसरा हो गया, चलिए ये हो गया आपका कोण के कारण, चाप कर चाप द्वारा कोण बना है केंद्र पर 60 डिग्री का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नंबर तीन, कि हमारे पास एक लूप दिया है और वो एक चाप के रूप में, ठीक, ऐसी स्थिति नंबर तीन, ये लूप है और ये इसका केंद्र है, ठीक, केंद्र हो, ये रेडियस आ, इसमें ऐसे धारा जा रहा है, धारा आई, अगर इस तार को तुमने ये सीधे वायर भी मोड़ा है तो इस तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि वो तो उसी से ऊपर जा रहा है, चापाई के कारण उत्पन्न हुआ, अगर ये तार है नहीं, नहीं भी है तभी कोई बात नहीं, केवल इतने तार में उसने आई धारा, ठीक। ये कोण इस बार अल्फा रेडियन है, अल्फा रेडियन 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ नहीं, इस बार कोण रेडियन में दिया, कैसे निकाले, तो देखो डिग्री दिया था तो डिग्री यूज किया था, अब अल्फा रेडियन है तो 2π रेडियन इक्वल टू कितने फेरे होते हैं, एक फेरे, बात तो वही है 2π रेडियन, ठीक,
ये प्रत्येक रेडियन कितनी जगह रखती है, 2π रेडियन एक से रख, और एक रेडियन बराबर क्या आएगा बताओ, 1/2π से रख, बोलो। फिर कितने रेडियन हमारे पास है, अल्फा रेडियन, तो α/2π, ये इनका मान हो गया कि नहीं, एन बराबर हो गया α/2π। बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, μ0 nI/2r, ठीक, इनका मान रखेंगे α/2π, α/2π रखेंगे इनका मान, तो μ0 इनका मान हो गया α/2π I/2r, इक्वल टू हो जाएगा μ0 α/4π r, ठीक, चाप्ति कारण होगी। अब आगे और बढ़ते हैं, नंबर 4, देखो ध्यान रखना, कोण से हम फेरा कैसे निकाल लेते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा ये बहुत बड़ा सा रूप दिया, चाप के रूप में छोड़ेंगे, जैसे चलो बता दूं, जैसे ये पूरा लूप होता है, बहुत आसान बात होता ही है, ठीक लूप ही है, ये लूप दिया है मानो, और स्थिति इसमें दी है, ये इसका केंद्र हो गया, तो कहा जाए ये कोण 90 डिग्री है, धारा से आई जा रही है, ये केंद्र हो गया, केंद्र को चुंबकीय क्षेत्र बताओ, इसके कारण निकलता उसमें वही से छूटा हुआ, अब कैसे निकालो, तो देखो ये 90 है तो ये कितना हुआ 270, समझ गए, 360 डिग्री का लूप होता एक फेरा, यहां पर 270 डिग्री में कितने फेरे बने हुए वो निकाल लो, जैसे 60 डिग्री में निकालते थे वैसे 270 में निकाल लो, और ये रेडियस आ रहा है, तो बताओ 360 डिग्री बराबर कितने फेरे, एक फेरा, 1 डिग्री बराबर कितने फेरे, 1/360 फेरा, हमारे पास कितने डिग्री लूप है, लूप द्वारा केंद्र पर 270 बन रहा है, ये नहीं है यहां का लूप ही नहीं है यहां का, ऐसा बात है, ठीक, तो क्या आएगा 270 डिग्री बराबर 270/360, हल कर लेगा, 0 0 कट गया और 9 से काट लो, 9 × 3 = 27, 9 × 36, अरे 3 चौथाई है सीधा सीधा 3/4 पे, यही तो एन हो गया। अब बी का सूत्र क्या है, μ0 nI/2r, μ0 इनका मान 3/4 I/2r, तो बी बराबर क्या हो गया μ0 3μ0 I/4, दिशा अभिजन करके हो रहा है ये चित्र बन रहे ठीक, एट आर है, तो इस प्रकार से हम लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, लूप का हो गया, तार का हो गया। अब अगर लूप और तार एक ही में दिए हो, मतलब कुछ ऐसी स्थिति हो कि लूप भी बन रहा हो और क्या बन रहा हो, तार भी बन रहा हो, तो हम चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे कैलकुलेट करें, ठीक देख लेते हैं, वो भी एक क्वेश्चन उस पर भी, देखो ये सब टाइप के बता दे रहे हैं, तुम्हारे क्वेश्चन लगाने में बहुत काम आएंगे, ठीक देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक हमारे पास तार है और उसको हमने ऐसे मोड़ा, ध्यान देते रहे इतना छूट गया हिस्सा, ऐसे समझ गए ना, तार को हमने ऐसे मोड़ा, तनिक बस छूटा है ऐसे धारा भी, ये केंद्र इसका हो गया, मालूम क्या कह रहा, केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक, और फिर हमारे पास एक और है कि तार बिल्कुल ऐसे ही था, मोड़ने का तरीका देखना,
क्वेश्चन नंबर सिक्स में मोड़ा हमने उसको ऐसे, जैसे एक तो उससे लूप बनाया, ठीक, और तार ऐसे लाए थे, देखते रहे ना ऐसे, ये तार चला गया ऊपर, धारा ऐसे गई, ऐसे होती हुई, और फिर हमने क्या किया इसको मोड़ते हुए लाए और धारा, समझ पाए कुछ? ये ले ले, ये सीधा वायर हो गया, फिर इसको ऐसे मोड़ दे, धारा आई प्रवाहित हो गई, ये केंद्र ओ है, इसकी रेडियस आर है। अब हो सकता है वैल्यू दी हूं तुम्हारे में, ठीक, मोड़ने का तरीका समझ में आया, पहली बार मैंने मोड़ा ऐसे, अगली बार में ऐसे वायर को लेकर फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे सीधा कर दिया, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई और ये सर्कल बन गया, लूप बन गया, उसमें भी लूप है, इसमें भी लूप है, उसमें भी लॉन्ग वायर है, इसमें भी लॉन्ग वायर है। तो देखो सबसे पहले इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसमें आई धारा जा रही है, ये रेडियस आर है, तो ये भी तो आर होगी, लिखेंगे तार के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान पढ़ा था, दिशा देख लो, धारा इधर जा रही है, इस तार ये थोड़ा सा छूटा हुआ ना, तो लगभग हमने पूरी तार मान लिया, धारा उधर जा रही है, केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो दिशा आएगी कागज के तल के लंबवत बाहर की, तार के कारण देखो, ठीक, फिर लिखेंगे लूप के कारण इसकी दिशा होगी बाहर की, बाहर की डॉट लगा दे, समझना अपनी दिशा, फिर लूप के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र बी टू मान ले, तो इतना लूप बन रहा है ये वाला, और लूप के कारण अभी पढ़ा म्यू नॉट आई अपान टू आर, तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई अपान टू आर, दिशा देख लो, लूप में धारा ऐसे जा रही है, तो दिशा इसकी ऐसे आएगी, देखो धारा ऐसे जा रही है ऊपर की ओर, ये अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां बिंदु की ओर, तो कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, तो ये क्रॉस हो गया। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण बाहर की ओर और इसके कारण अंदर की ओर, तो परिणामी दोनों का अंतर आएगा, जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो परिणामी मिलेगा, तो लिखेंगे केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना थोड़ा सा, इक्वल टू किससे किसको घटाएं, ज्यादा वाले से कम वाला घटाएं, भाई ज्यादा वाले से कम वाला घटाएंगे, अब ज्यादा इसमें देखो कौन, हमें तो ज्यादा ये दिख रहा है क्योंकि इसमें नीचे पाई है, बाकी म्यू नॉट पाई अपान टू आर है, इसमें नीचे पाई नहीं है, तो नीचे पाई से भाग नहीं हुआ इसमें, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो क्या करेंगे बी टू माइनस डी वन, बी टू का मान म्यू नॉट आई अपान टू आर, डी वन का मान म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान, जो कॉमन हो ले लो, म्यू नॉट आई अपान टू आर कॉमन, तो वन माइनस वन अपान क्या बचेगा पाई, और देखो इसकी दिशा किधर आएगी, ये ज्यादा था ये कम था, तो परिणामी अंदर की ओर आएगा, तो परिणामी इसका किधर की ओर आएगा, जैसे ये वाला निकला 20 टेस्ला अंदर की ओर, ये 10 टेस्ला है, तो परिणामी 10 निकलेगा, 10 अंदर की ओर निकला है। इसमें चलो जरा सबसे पहले तार के कारण केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र डी वन मान लें, सूत्र होता है म्यू नॉट आई अपान टू पाई आई अपान आर, दिशा देख लो बस, दिशा का खेल है सब, तार में धारा इधर जा रही है, दिशा बाहर की, दिशा बाहर की हो डॉट, लूप के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो सब जानते हैं बी टू इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान टू आर, दिशा देख लो, दिशा बताओ, धारा जा रही इसे देखो ऐसे ऐसे होती है, धारा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, हथेली के लंबे धक्का देने की दिशा बाहर की, तो ये भी किधर आएगा बाहर की, फिर लिखेंगे केंद्र
ओ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताओ। बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, क्योंकि दोनों की दिशाएं सेम है। बी वन प्लस बी टू करेंगे तो बी वन का मान कितना है, म्यू नॉट अपान टू पाई आई अपान आर, म्यू नॉट आई अपान टू आर का मान क्या है, म्यू नॉट अपान म्यू नॉट आई अपान टू आर का मान बचा क्या, वन अपान पाई प्लस इतने, और इसकी दिशा बाहर, परिणामी बाहर की। तो देखो इस पर आधारित आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप हल करेंगे, ठीक। और इसके बाद आपको बताएंगे इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे।